साइबर सिटी में इन दिनों लोग सीवर जाम की समस्या से परेशान हैं। शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां समस्या ना हो, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वार्ड 10 में इन दिनों लोग सीवर जाम की समस्या से खासे परेशान हैं। भीमगढ़ खेड़ी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए मुख्य रास्ता सीवर जाम के चलते गंदे पानी से भरा हुआ है। अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। वहीं आम आदमी पार्टी ने लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाने का बीड़ा उठाया है। कम से कम 3-4 साल हो गए हैं ये सीवरेज का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और निगम इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कुछ हफ्ते पहले वो बोलते हैं, जस्ट बारिशों से कुछ हफ्ते पहले वो एक प्लान बनाते हैं कि अब सीवर साफ होंगे, ड्रेन साफ होंगे, एक खाना पूर्ति हो जाती है और बात खत्म हो जाती है। और पूरे शहर में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक अभी एक लिमिट पार हो चुकी है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, लोगों की बाइक्स गाड़ियां खराब हो जाती हैं, बच्चे अब डूबने लगे हैं। कल मैं पढ़ रही थी कि एक बंदा जहां पे उन्होंने सीवर के लिए ड्रेन खोदा था उसमें पानी भर गया, उसको बंद गिर गए, उनकी डेथ हो गई फरीदाबाद में। इंद्री अनाज मंडी में धान की उठान को लेकर आ रही समस्याओं का निदान करने के लिए करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने इंद्री मंडी का दौरा किया। उपायुक्त ने किसानों, आड़तियों और खरीद कार्यों में लगे हुए अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों से भी बातचीत की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि यदि इंद्री अनाज मंडी में धान खरीद व उठान कार्य में कोताही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे हमने जो हमारे आड़ती एसोसिएशन के प्रधान थे और हमारे सभी जो सरकारी अधिकारी गण थे उनके साथ में हमने मीटिंग करी, जायजा लिया है मंडी का। जो टोटल अभी तक जो आवक आई है मंडी में वो 40,000 एमटी की परचेज अभी तक मंडी में हो चुकी है 8 तारीख तक, और इसमें जो लिफ्टिंग जो हो चुकी है वो 20,000 एमटी के आसपास है, तो 50% लिफ्टिंग है। और फिर भी मौसम को देखते हुए हमने लिफ्टिंग पे और भी ज़्यादा जोर देने के लिए कहा है हमारी जो परचेजिंग एजेंसी से, तो होपफुली क्योंकि आज के दिन काफ़ी कम है आवक की संभावना और कल वैसे ही प्रोक्योरमेंट के लिए छुट्टी का दिन है, तो हमारा जो 2 दिन का जो फोकस रहेगा लिफ्टिंग पे रहेगा। और रोकबॉल खेल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जेम्स डब्ल्यू फेगर फेडरेशन के उपाध्यक्ष कमल सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे। खेल प्रेमियों ने उनका भिवानी पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि रोकबॉल को सन 1982 से फेगर द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। यह खेल वॉलीबॉल और हैंडबॉल का मिक्सअप है। ये खेल भारत में पहली बार 2011 में आया। इस खेल को आगे बढ़ाते हुए सन 2016 में इस खेल की 8 नेशनल चैंपियनशिप भारतीय खेल यूनियन द्वारा करवाई गई। Yeah. That's why I'm here. I'm going to have these seminars. It's called a seminar. Yeah. Know? As like the we are organizing right. The two-day referee camp. Yeah, we have a referees teaching thing here. All right, and I'm going to be involved with that. Because I want them to know how to play the game. I want, them to know how to score the game. And I want them to know that the legitimate people involved in teaching that sport is with Mr. Alawa. Understand? Again, I want to get back, I want to get away from that, what do you call, fake nonsense? यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एंटी नारकोटिक सेल ने 2 कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पहले मामले के अंदर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नाइट डोमिनेशन में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 30 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं इनके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और 9 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए और जिस बिलैरो पर ये घूम रहे थे उसे भी कब्जे में लिया गया। वहीं दूसरे मामले में टीम ने कार्रवाई करते हुए 34 बोतल देसी रसीला माल्टा और 280 देसी शराब के पौवे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से जो लास्ट नाइट में नाइट डोमिनेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लॉन्च की गई थी उसमें 2 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। पहला केस जो है उसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हैं और ये व्यक्ति रिपीट ऑफेंडर्स हैं और इनके पोजेशन से 30 ग्राम स्मैक और 1 बोलेरो गाड़ी जिसमें वो थे प्लस 1 अवैध पिस्टल 32 बोर का विद 9 लाइव कार्ट्रिजेस जिंदा राउंड इसमें मिले हैं। इन तीनों को विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है। फॉर रेफरेंस, इनमें रजत, परवेज और शोएब 3 व्यक्ति हैं, तीनों के खिलाफ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इसके अतिरिक्त एक एक्साइज की भी एक कार्रवाई करते हुए नारकोटिक स्टाफ द्वारा
34 बोतल और 280 पौवे मार्का शराब के साथ विद एक्टिवा जिसपे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ जैकी पुत्र रण सिंह गांव दड़वा को भी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है जी। पलवल के कैंप थाना क्षेत्र स्थित असाफ्टा रोड स्थित शराब के गोदाम की दीवार तोड़कर चोरों ने 15 लाख रुपए की शराब को चोरी की। पुलिस ने शराब गोदाम के मालिक की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कैंप थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि असाफ्टा गांव निवासी बच्चों सिंह की शिकायत में कहा कि उसका असाफ्टा रोल पर रेलवे क्रॉसिंग के निकट शराब का गोदाम है, जिसमें 7 अक्टूबर को पीछे की दीवार तोड़कर चोर अंग्रेजी शराब की 173 पेटी और बियर की 17 पेटी लेकर फरार हो गए। चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है। कंप्लेंट है बच्चों, इसने कंप्लेंट दी है भाई साथ, और जो यानी कि जो लास्ट नाइट भी है इनका L1 का गोदाम है दारोगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई 173 यानी कि 173 पेटी तो इंग्लिश की हैं और 17 पेटी बियर की हैं, जो इनकी जो दीवार थी वो दीवार तोड़ के कोई अननोन पर्सन है वो ले गए। तो इस संबंध में हमने बच्चों सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।